डूब लिया पूरा का पूरा एकदम ही पत्थर आए हैं ऊपर से पे से आगे से थोड़ी दो दो लोग दो लोगों पत्थर लगे सिर में And welcome to this India Today Ground Zero special. Coming to you from the small town of Nu in the Mewati region of Haryana near the Rajasthan border. The latest Communal hotspot in the country because it is here in Nu that communal violence and rioting earlier this week resulted in six people being killed. Nu is just 60 kilometers away from the millennium city of Gurugram, but Nu is the poorest district of Haryana, one of the poorest districts in the country with a majority Muslim population. It has also seen a spike in crime, especially cyber-crime. And in recent times, there has been a rise both in Islamic radicalism and strident Hindutva in this part of Haryana. Crime, communism, poverty, and backwardness can be a deadly, toxic mix. It's that mix that we want to discover on this special. Come with me. टू फाइंड आउट जस्ट वाई नू ब ठीक है अच्छे हैं आप थे क्या जब ये यहाँ हिंसा हुई हम यहीं पे यहीं थे अपने यहीं। क्या हुआ ये जी इधर से चलिए घोड़ीबाड़ी और आग के आइए यहाँ यहाँ से मतलब उतर के फिर ऐसे चले गए रिमेंबर अ यात्रा बींग ऑर्गेनाइज बाई द विश्व हिंदू परिषद मंथ ऑफ श्रावण फ्रॉम द महादेव मंदिर हेयर एंड इट वॉज देन दैट द यात्रा वॉज अटैक्ट बाय मुस्लिम ग्रुप्स हेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर अरावली माउंटेन रेंजेस विच आर जस्ट बिहाइंड मंदिर हिस्सर ये पहली बार ऐसा हुआ है पहली बार यह या यात्रा हर साल होती है यात्रा तीसरी बार आई है तीसरी बार यात्रा हुई है, यात्रा आ, हुई है। आ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ नही कोई कई नहीं हुई अच्छे आराम से आए अच्छे आराम से गए ये घटना अब के हुई है। आपके और मुस्लिम परिवारों में भाईचारा था भाई भाईचारा था कोई हिंसा नहीं थी कोई इस तरह का नहीं गोलीबारी कभी नहीं हुई वहाँ पर हमारे कुणबा है हम वहाँ भागे अच्छा आप वही भाग से भी ले लेगा हम जी। हम जी। अब भी हमें दहशत ही है दहशत है अभी भी किसी कोई विश्वास ना है बारी दोनों तरफ से चली क्या हुआ उस दिन यात्रा यहाँ से अच्छी भली निकल गई कोई दिक्कत ना थी हाँ। शहर में कोई झगड़ा हो गया यहां कोई यहां कोई झगड़ा नहीं था उसके बाद में वो लोग वापस आ गए कि भाई यहाँ झगड़ा हो गया तो वापस वहीं चलो अच्छा यहाँ मंदिर में आ गए शरण के लिए हाँ। अपने आप को बचाने के बचाने के लिए, के लिए। तो जो दंगाई थे अब वो पता नहीं कौन थे कहाँ से थे क्योंकि जब इंसान आंखों से देखे किसी को जाने पहचाने तो पता लग जाए जान पहचान किसी की हुई नहीं फिर यहाँ भी आगे झगड़े हो गैर गाड़ियों में कुछ आग लगा दी इधर उधर से फायरिंग भी हुई प्रशासन उस टाइम था नहीं प्रशासन कुछ थोड़ा देर में पहुँचा कोई पुलिस वाले यहाँ नहीं थे उस समय उस वक्त बक, नहीं थे प्रशासन तो आधे घंटा बाद पहुँचा था और पहली बार इस तरह के आपने दंगे देखे यात्रा तो हुई है यहाँ पहले भी हाँ पहले भी, भी हुई है पहले ऐसा कोई नहीं कोई, कोई नहीं।, नहीं।, नहीं और अगल बगल में मुस्लिम आबादी है यहाँ आप एक हिंदू हिंदुओं का एक गांव है आप आपसी आप लोगों में भाईचारा बहुत अच्छा अच्छा संपर्क है आप एक जगह बैठते हैं हुक्का पीते है हुक्का पीते हैं साथ में साथ में बैठते हैं कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं पता नहीं ये तो क्यों और कहाँ से ऐसा हुआ बाहर के लोग थे या यहीं के लोग थे अब वो लोग बाहर के थे भीतर के थे वैसे वो ज्यादातर हमारे हिसाब से बाहर के थे बाहर के थे बाहर के थे जिन्होंने गोली चलाई वो बाहर के थे बाहर के थे क्योंकि गांव में हमारे ऐसे रिलेशन नहीं है कि एक दूसरे के साथ हम ऐसा करें गांव में हमारे अच्छे रिलेशन है हाँ ये है कि अब ऐसे उनसे जो बाहर से आते हैं चाहे कहीं से भी कोई आता है तो माहौल तो खराब होगा वैसे हमें कोई डर नहीं है तो माहौल खराब हो गया है माहौल तो खराब होगा ही जनाब इन चीजों से सुबह सुबह हुक्का हुक्का पीते द प्रॉब्लम इन दिस विलेज ऑफ नलहड नियर द नलहड़ महादेव मंदिर वेयर द वायलेंस टूक प्लेस इज नॉट सो मच द फियर ऑफ कॉम्युनल डिवाइड एज एज मच अ मोर बेसिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या क्या है पानी नहीं आता है पानी नहारो जी हमारा कई दिन हो गए ज्यादा दिन से लड़ाई बाजी है एक दिन पानी आयो बस कोई थोड़ा बहुत हमारी है जैसे वाटर सप्लाई पानी आवे तो या कुंडा में छोड़ दिया हम मोटर लगा के वही ये बरत रहे है बैस कितने दिनों से नहीं आया पानी दिनों से नहीं आया जब से लड़ाई हुई है जब से लड़ाई यहाँ हुई तब से यहाँ पानी नहीं आया गाँव में तो अच्छा वहाँ से जो, हाँ। जो आ, मुस्लिम एरिया से जो पानी आता है वो यहाँ नहीं पहुँच रहा है ना अब ना पहुँच रहा हूँ खाने के लिए राशन भी नहीं मिल रहा ना कहां मिल रहा चीनी पत्ती सब्जी क्योंकि कर्फ्यू है हाँ जी कर्फ्यू है तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं हाँ। अब फायरिंग हुई थी आप कहाँ थी पे आप लोग सब घर में बैठ गए घर में बैठ गए हम डर का माहौल है या डर है फिर भी रहेगा अब तो दहशत तो हो गई हमें आपके मुसलमान दोस्त है कि नहीं भाईचारा है कि नहीं दोस्त कुछ नहीं है अब तो अब कोई दोस्त नहीं है नहीं। पहले भाईचारा था खूब बढ़िया रह रहे हम हमारे बुजुर्ग है जो सत्तर अस्सी साल हो गए इनमें तो पहले खूब अच्छे रहते थे अब? तो अब अब हमारे दिल में दहशत आ गई अब डर लगने लगा इनसे अब, अब इन पिछा नहीं करी उनको परवार करिए तो हम ही कहाँ बस बकसता हमने मार दे दी यहाँ जब यात्रा निकली और वापस वापस आई या जो शहर में जो गोलीबारी हुई वो यहाँ के लोगों ने करवाई बाहर के लोग थे क्या था इसमें सर सारे 20 साल और 15 साल से 20 साल के बच्चे थे उनका कुछ पता नहीं कहाँ कि जैसे आए दोनों तरफ से फिर पत्थराव हुआ यहाँ पर हमारे तो ये मकान है ये इसके पीछे ये है इधर से इस रोड पे काए यहाँ तक ये पत्थर आए थे हमने तो लोगों को यहाँ काफी रोक के नहीं रखा मदद की जिस तरह से हो चुकी हिंदू भी टोटल बाहर से थे कोई कोई का वन भी भी हिंदू नहीं नहीं था और से वन भी कोई मुस्लिम नहीं था और है मुस्लिम तो हुआ होगा ना कि इतना माहौल बिगड़ गया है। पहले एक माहौल चल रहा था पहले से ही कोई मोनू माने के ऊपर उसने कोई पोस्ट है एक बिट्टू बजरंगी वो पोस्टों के वजह से ही जो माहौल खराब हुआ है वैसे तो अन्य था बिल्कुल ठीक है यहाँ का माहौल आज अब भी ठीक है सर ये भी है कि गौ रक्षक एक तरफ और ये कहा जा रहा है कि जो तस्कर है वो दूसरी तरफ इनके बीच में कई महीनों से लड़ाई हो रही है झगड़े हो रहे हैं क्या इससे माहौल बिगड़ गया है नहीं नहीं ये एक तो, ये अब ऐसा माहौल ये गऊ तस्कर तो अब तो लोगों ने यहाँ सर बैन कर दिया सब ने यहाँ एक कमेटी बनी सब ने ये ये कहा कि भाई इसके मामले में हमने इस चीज़ जिससे फसाद फैलता हो उसको हम दूर करेंगे इस चीज़ को ये गाँव में अलाउ नहीं करते मोनू मानेसर का नाम निकला मोनू मानेसर इज अ बजरंग दल लीडर और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द बजरंग दल मानेसर से आते हैं बिट्टू बजरंगी उनके सोशल पोस्ट आते हैं क्या उस उससे माहौल बिगड़ा नेचुरल है जब इस तरह की चीजें हैं और जो लोग वैसे हैं सोशल मीडिया के सबसे बड़ा सोशल मीडिया है ना जो इसका बड़ा रोल है इस माहौल को खराब करने में पर सोशल मीडिया का गैर इस्तेमाल मुसलमानों भी ने भी किया है और हिंदुओं ने, ने किया दोनों ने, दोनों ने तो आप यहाँ स्कूल चलाते हैं आप यहीं रहेंगे या वापस चले जाएंगे जज्जर यही रहेंगे स्कूल चलती रहेगी बिल्कुल चलती रहेगी बिल्कुल चलती रहेगी लेकिन दहशत का माहौल कब तक रहेगा ये तो जी हमें क्या मालूम इस चीज का ना ना, 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 ना खत्म हो जाएगा खत्म हो ये फिफ्टी से प्लस तो अभी हो गया ये तीन दिन में हाँ। और ये दो एक दिन में ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि लोकलिटी यहाँ की लोकल में नहीं है ना कुछ भी अगर लोकल में दरार होती फिर ये सदियों इसमें टाइम लग जाता ये तो बाहर के लोग थे करके चले गए अब तो यहाँ इसमें ये खत्म हो जाएगा ये Now, Nu has been under curfew, Nu town, for the last uh, four days since the 31st when the violence took place. But there are some signs that life could be very slowly limping back to normal as we find here in the marketplace in Nu. I want to go and meet the Imam, though, of the main mosque here to find out how he sees what happened in Nu on the 31st of July. Come with me. ये जो हुआ 31 तारीख को जिस तरह की हिंसा हुई इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं मैं सबसे ज्यादा इसको जिम्मेदार मानता हूँ उन वीडियो ऑडियोज को जो सोशल मीडिया के जरिए से भड़काऊ भाषण दिए गए भड़काऊ चीजें डाली गई वो इसका सबब कारण बने बस दो, दोनों तरफ से हुई मैंने देखे हैं वीडियो जो बजरंग दल के लोगों ने फैलाई और कुछ मुस्लिम लोगों ने भी फैलाई सोशल मीडिया का एक्शन रिएक्शन जो हुआ है वो सब कुछ कारण ये बना है किसी यात्रा पर किसी धार्मिक चीज़ पर मेवात की सरजमीन पर कभी भी हमला नहीं होता वो वीडियो उन पर प्रशासन पहले से रोक लगाता तो ये हादसा नहीं होता वीडियो जो थे हाँ, गलत थे हथियार हाँ, यात्रा में जाना गलत है हाँ, लेकिन जो गोलीबारी हुई हाँ जिस तरह से यहाँ के

उन्होंने कहा कि यहाँ तस्करी हो रही है आ, यहां तस्करी हो रही है। फरवरी के महीने में दो लोगों की आ, मौत होती है, नासिर और जुनेद उनको मारा जाता है वो बजरंग दल के लोग कहते हैं वो तस्कर हैं, यहाँ मुस्लिम समाज कहता है ये गौरक्षक हमें आ, आ, हमें टारगेट कर रहे हैं वो वो पुलिस की जांच के आदेश हैं वो जुनेद और नासिर को जो ले जाकर गोपालगढ़ थाना पहाड़ी थाना राजस्थान जिला भरतपुर में वहाँ से उठाकर मेवा क्षेत्र के से जींद भिवानी में जाकर जलाया जाता है तो अगर वो गौ तस्करी कर रहे थे यहाँ से उठाना कोई तस्करी का उनके पास सबूत मिलना चाहिए था कि भाई ये गाय पकड़ते हुए लगे उनके पास कोई मैं चोर हूँ तो चोरी में पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सजा मिलनी चाहिए लेकिन चोर नहीं हूँ चोरी का इल्जाम लगाकर मार दिया जाए ये गलत है उसके बाद तनाव बढ़ा बिल्कुल बढ़ा है जुनेद नासिर हत्याकांड के बाद ज़्यादा इलाके में तनाव बना है गौ रक्षकों के खिलाफ जो भी बात हुई है गौ तस्करी खिलाफ है तो गौ रक्षक कानून हाथ में लेना ये भी खिलाफ़ है मुझे निन्यानवे परसेंट क्या सौ परसेंट ये उम्मीद है कि हमारे लोकल कम्युनिटी का भाईचारा बाकी है ये जो तनावपूर्ण स्थितियाँ हैं वो लोकल कम्युनिटी में नहीं है ये बाहरी लोगों की पैदा किया मुफ्ती भाई अगले साल यहाँ यात्रा होनी है तो आप यात्रा होने देखिए हम हम फिर कहते हैं यात्रा अगले साल नहीं हर हर दिन निकालें कोई उस दिन भी कलश यात्रा यहाँ से हम निकली लिए किसी यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है किसी यात्रा लेकिन यात्रा का रूप दूसरा धारण कर देना वो गलत है उसको प्रशासन रोके आप लोगों में भाईचारा है कि नहीं तो फिर ये दंगे कैसे हो गए बाहर के लोग आए थे यहाँ नहीं, नहीं, बार बार लोग कहते हैं बाहर उनकी कोई मिली साजिश थी कोई, कोई... बंदूकें से आ गई बंदूक तो है भी नहीं थी यहाँ या बंदूक ही नहीं है जी बंदूक है ही नहीं इधर कोई है नहीं पता नहीं वो लोगों के पास इतने पैसे नहीं है बंदूक खरीदने अरे क्या ये तो खरीदा नहीं जा रहा सामान तो बंदूक के कहा से खरीदेंगे मैं राजस्थान से आया बच्चों ने फोन किया राशन घर पे बिल्कुल नहीं है टैंक में पानी नहीं है घरेलू घरे घरेलू सामान अभी घर तक नहीं पहुंचा हूं सर सर अब ये सोच भैया तो बच्चों को भी तड़फ्त नहीं देख देख सकते छोटा सा ते सवाल पूछूंगा जी क्या आपको लगता है जो माहौल बिगाड़ा गया है क्या भाईचारा लौटेगा या नहीं आसानी से बहुत आसानी से लौट जाएगा सन सैतालीस का हंगाम आपने देखा है पार्टीशन के जमाने का आपने पार्टीशन देखा है नब्बे साल से ऊपर मेरी उम्र है सन सैतालीस में सत्रह साल का था सारा हंगामा जो वो खत्म होगा ये खत्म कैसे नहीं होगा लेकिन गोलीबारी और लोगों को ये, ये सब तो बंद होना चाहिए ना हाँ ये मैनेजमेंट की कमजोरी है मैनेजमेंट यानी सरकार भा, भाई बारिश जब हो रही है अबर आ रहा है गरज आ रही है तो छतरी लेके चलना चाहिए यानी ज्यादा पुलिस होनी चाहिए थी पुलिस होनी चाहिए यानी सरकार की कमजोरी कहीं कमजोरी थी है? मैं तो साफ कहता हूँ कितने साल तो के हो नब्बे साल से ऊपर अरे आप तो दिखते हो अठारह साल के हाँ, हैं? ये हैं? ये मैं सोलह बरस का हूँ आप अठारह बरस के है न बहुत खूब बहुत क्या बताइए गोभी लौकी सब है टमाटर कहाँ है टमाटर बहुत है कहाँ से लाए टमाटर बताओ आप आपका मार्केट अब ठीक ठाक हो गया है कल से चालू कल से चालू हुआ है कल से खुला है कल से खुला है आपका आपके तो तो जो बगल में है वो मुस्लिम भाई बैठे हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मंडी में भाईचारा है मंडी में भाईचारा है मेवात में भाईचारा है हमारा तो फिर ये आप कह रहे हैं मेवात में भाईचारा है तो फिर इतनी हिंसा कैसे हो गई तो जो बाहर से आए थे या थे उन्होंने धूमसबाजी कराए अपनी मेरी ईयर हो गई सर कभी लाइफ में हमें भाईचारा के का भी हमने हिंसा नहीं देखी अपने लाइफ में सर कभी नहीं जो बंदा बाहर के लोग रोहतक पानीपत कब यहाँ नौकरी करते हैं ये कहते हैं हम यहीं रेजिडेंस करना चाहते हैं नाउ द पुलिस हैल ओवर नू इन द लास्ट फ्यू डेज बट द बिग क्वेश्चन इज Where was this same police force on the 31st of July? For example, the cybercrime unit of the police station was targeted by the rioters, many of whom allegedly have been involved in cybercrime, suggesting that there were other agendas at play. The fact is that there were early warnings that the state administration perhaps missed. Preventive arrests that could have been made. All of this leaves open the big question. Was this a riot that could have been prevented? Let's find out. This had been a riot that could have been prevented. नहीं देखिए इसके अंदर हर riot can be जो input होता है उसके अंदर जो हम लोग share करते हैं उसके हिसाब से preparation होती है planning <laughs> भी होती है लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक हुई है और आप कह रहे हैं उसकी समीक्षा पीएचक्यू लेवल पे की जा रही है एक बहुत ही सीनियर अधिकारियों की कमेटी द्वारा इसकी पूरी समीक्षा की जा रही है कि क्या हम प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या और कर सकते हैं किसी भी इंसिडेंट की तरह इसकी भी समीक्षा हमारी जो पीएचक्यू के सीनियर्स है वो कर रहे हैं और जो भी करेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं हरियाणा पुलिस हमेशा लेकिन मास्टर माइंड या कौन कौन इसके अगर ये साजिश है तो इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग है फाइनल हम इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन अब तक नहीं कर पाए हैं have a strong civil society organization called the Mevat Vikas Sabha, which uh, in the last few days has been trying to bring people together, trying to in a way ensure that communal harmony can be restored. जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं आउटसाइडर ने किया बाहर से लोग आए थे क्या बाहर से लोग आए थे या अंदर के लोग और बाहर के लोग दोनों मिल गए ये सच्चाई है बाहर से भी लोग आए और स्थानीय लोग भी शामिल हुए जो गुंडा टाइप के लोग थे नू के लोग भी शामिल हुए हाँ आसपास के लोग शामिल हुए हैं मैं एक तरफा बात करना मेरी आदतों में से नहीं जिन लोगों को जिस चला चैलेंज दिए जा रहे थे उधर से कुछ लोगों ने इधर से भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर, पर। और उससे वो जो एक ऐसी भीड़ है जो अनसमझ भीड़ है मूर्खता भरी भीड़ थी वो यहाँ भी इकट्ठी हुई है तो स्थानीय लोग भी शामिल हुए हैं तो मुझे लगता है जिस तरह से गुस्सा उधर से वीडियो मोनू माने सर का हुआ बंटी बजरंगी बिट्टू बजरंगी उसका हुआ और जिस तरह से बेटियों की अस्मिता को लेकर जो सवाल खड़े हुए तो लोगों को लगा कि भाई इससे तो बेहतर है कि अगर इस तरह से वो चैलेंज देकर हमको जीजा साला बनाने की बात करें तो वो एक बहन बेटियों की जो अस्मिता का सवाल है उसने इन नौजवान लड़कों को ज़्यादा ललकारा है इस वजह से उनके दिमाग में गुस्सा आया कि अच्छा तुम आओ तो हम देखेंगे अभी चार पाँच दिन पहले इस घटना से पहले छब्बीस तारीख को सद्दाम की नगर में हत्या का वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था तो लोगों में बच्चों में सोशल मीडिया के जरिए से एक उबाल सा था कि भाई हमको इस तरह से मारा जा रहा है ऐसे मरते रहेंगे क्या करें क्या ना करें सोशल मीडिया पे रिएक्शंस थे इसी बीच में चूंकि ये वांछित अपराधी है लोगों को पहले से ही गुस्सा है कि इतना करने के बाद भी ये मोनू माने सर गिरफ्तार नहीं हो रहा और उसका जो वीडियो आया सत्ताईस तारीख को और उस पर जो हमारे यहाँ के बच्चों का रिएक्शंस हुआ एडिशनल एसपी पी उषा कुंडू को मैंने जाति तौर पर रि, रिपोर्ट किया कि जी इस तरह से हो रहा है ये वीडियो तैर रहे हैं एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं इन सब को आप जो है किस तरह से कंट्रोल करिएगा ये हो सकता है ये चीज़ें बड़ी हो जाएँ यानी पुलिस को इतला थी कि कुछ हो सकता है वार्निंग थी आपने वार्निंग दी थी पुलिस को पीस कमेटी के तमाम सदस्यों ने वार्निंग दी रिकॉर्ड है वहाँ वहाँ पर ये कहा कि जी ये बदमाश है ये आएगा तो यहाँ पर बहुत कुछ गलत हो सकता है उसके बावजूद एसपी का चला जाना छुट्टी चला जाना डीसी का चंडीगढ़ चला जाना डिप्टी कमिश्नर का और एक नई ट्रेनी ए एस पी को पूरा चार्ज दे देना और जिस तरह से चार पाँच घंटे सरदे साहे जी जिस तरह से लो एंडर्ड और कोलेप्स हुआ है हमने चूंकि आँखों आँखों से देखा मजिस्ट्रेट को जिस तरह से वो पकड़ी गई थी उसमें और उसके साथ जो हुआ हम चूंकि उसको रेस्क्यू करके ले गए हमने देखा कि हंड्रेड परसेंट सरकार का प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर रहा है जिस वक्त मैं हम रेस्क्यू करने के लिए आए थे एक भी पुलिस वाला दिल्ली अलवर रोड पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया था एडिशनल एडीजीपी का फ़ोन आया ममता सिंह का कि जनाब क्या हो रहा है मैंने कहा जी पुलिस का इतना बड़ा फेल्योर है मजिस्ट्रेट यहाँ फंसी हुई है कुछ करवाइएगा मैंने सीधी मजिस्ट्रेट से बात की और मजिस्ट्रेट की एडी अडि, डी से बात करवाई उन्होंने रिपोर्ट किया जनाब अगर वकील नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं होती क्या कहीं ना कहीं ये भाईचारा जो मेवाद की बात होती है कि भाईचारा है क्या वो ख़त्म हो गया राजनीति ने उसे ख़त्म किया अब जो राजनीति हो रही है उसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति हो रही है लेकिन जो आज भी मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ दो समुदायों में लड़ाई नहीं है हम कल सौ की तादाद में कल हिंदू समाज के लोगों से मिले हमारा उन्होंने कुछ नाराज़गियाँ उनकी थी उन्होंने कहा कि भाई हमारा क्या दोष है हमने माफ़ी मांगी है कि ठीक है बिल्कुल हम हम और आप हैं बाहर से गुंडे आ गए उस सम, उधर से भी या इधर से भी तो उसमें हमारा यहाँ के लोकल हिंदू का क्या दोष है उनकी दुकानें क्यों लूटेंगे इसके लिए उनका दुख वाजिब था हमने उनके लिए नैतिकता के तौर पर माफ़ी मांगी है कि ये गलत हुआ है लेकिन हमको यहाँ रहना है हम भाईचारे में रहेंगे आज भी एक पंचायत डागरपाल की हो रही है आज फिर हम हिंदू भाइयों से मिलेंगे यहाँ का भाईचारा तो हम बना कर रखेंगे किसी भी सूरत में और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं यहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ के मंदिरों की गुरुकुलों की और हिंदू समाज के लोगों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है हम हर हालत में करें चालीस परसेंट से ज़्यादा यहाँ के लोग अंडर आ, आ, बिलो पॉवर्टी लाइन है क्या ये बड़ा फैक्टर है कि युवा जो है ना नौकरी है गरीबी है किसी ने गन दे दिया किसी ने पत्थर दे दिए वो एक तरह से दंगे में शामिल हो गए क्या ये भी एक कारण है या केवल ये वीडियोस के कारण ये सब हो रहा है क्या कहीं ना कहीं लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह के दंगों के लिए बिल्कुल ये बात से मैं सहमत हूँ कि अनपढ़ता जहालत और बेरोज़गारी इन सब को नौजवानों में और जो चूँकि यहाँ पर रेसो भी ज़्यादा है मतलब एक बच्चे बहुत ज़्यादा हैं उस तरह का अनपढ़ता में बच्चों का ज़्यादा होना अनपढ़ता रहना बेरोजगारी रहना एक झुंड बने हुए हैं तो उनको कोई भी बेवकूफ़ मतलब चाहे धर्म के में ढाल कर या किसी दूसरे राजनीतिक ग्रुप में ढाल कर इन बच्चों को मोड़ कर कुछ किया जा सकता है तो इनका सोशल मीडिया पे जो इस्तेमाल हुआ है मैं समझता हूँ कि वो अनपढ़ता जहालत में और बेरोजगारी की वजह से हुआ है Now, communal riots are driven by hate, manufactured or otherwise. But the fact is that while a riot may bring out the worst in people, it can also at times bring out the best. Which is why I've come here to this Gurukul in a village in Nu in Bhadas, where the fact is that the local Sarpanch, Shokat, was the one who rescued the Acharya.

सर उस समय देखिए मैं आपको बताऊं प्रशासन की तरफ से कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई थी और जो सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी जैसे यहाँ से दो किलोमीटर बडरकली चौक है पूरा जो ये दंगा हुआ पूरा प्री प्लान के हिसाब से हुआ पहले टारगेट ही पुलिस वाले बनाए गए हैं मत तो पुलिस वाले टारगेट बनाए गए उनको तो जिंदा जला दिया होता वो किसी न किसी तरह से भाग गए हैं आप अगर वहाँ देखेंगे तो चौकी की खिड़कियाँ तोड़ तोड़ के भाग भागे वो लोग आए यहाँ जी देखिए पहले संख्या में तो आए कम से कम पचास साठ के करीब दूसरी बार लगभग ढाई सौ तीन सौ के व्यक्ति आराम से थे उस समय सो, तीन सो के लोग यहां तक आ आराम से आ गए गए थे गेट के ऊपर आ गए थे वो और तो और कोई सिक्योरिटी नहीं थी नहीं उस समय पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं थी क्योंकि पुलिस प्रशासन तो सारा जा चुका था उस समय तो किसने बचाव किया गाँव के सभी व्यक्ति थे जी यहाँ के जो सरपंच है शौकत वो आए थे यहाँ उन्होंने एक तरह से आपको हाँ, एक राहत दी सरपंच साहब आए हैं शोकर सरपंच जी आए हैं तो उन्होंने राहत भी प्रदान की साथ में जितने भी अपने व्यक्ति थे गांव के सभी व्यक्तियों ने मिलकर के उनका खड़ा सामना किया की कि आचार्य जी पहले हम गांव के व्यक्ति हैं फिर आप तक बढ़ेंगे वो जो भीड़ थी वो बाहर से आई थी बाहर की तो क्या कही जी उसमें अधिकतर अब तक जो सूचना ही है हाँ। अधिकतर आसपास के गांव के लोगों की ही सूचना आ रही तो आसपास के गांव के लोग भीड़ में इकट्ठा थे लेकिन आप ही के गांव के कौन सा ये गांव है भादस गांव है तो भादस गांव के लोग जो थे उन्होंने आपकी रक्षा की हाँ उसमें हिंदू थे मुसलमान थे सरपंच थे सब थे शामिल जी मुख्य भूमिका तो देखिए सरपंच साहब की रही है हाँ। उसको तो हम बिल्कुल कर नहीं सकते सरपंच साहब का तो ये हमारे लिए उसको तो बहुत धन्यवाद हम कहते ही हैं क्योंकि अगर वो व्यक्ति अगर अपने सूझ बूझ के द्वारा और तुरंत गाँव के लोगों को ना बुलाते तो आपको ये जो गुरुकुल दिख रहा है हम दिख रहे हैं बच्चे दिख रहे हैं कुछ ना होता ये भी राख कर दिया होता खंडर रूप में दिखाई दे रहा होता आपको तो लेकिन हम चाहेंगे कि जो ये मेवात के अंदर एक ही गुरुकुल है कम से कम अपने हरियाणा सरकार से पुलिस प्रशासन से निवेदन है इस चीज़ के लिए कि हमें एक परमानेंट सिक्योरिटी की कुछ व्यवस्था दे इस गुरुकुल के लिए तो क्योंकि आग... हिंदू के लिए सिर्फ एक ही मात्र एक ही ऐसी जगह है जहाँ हर प्रकार के हिंदू आते जाते हैं तो वो एक डर का माहौल अभी भी है वो तो है जी वो हम बोल भी नहीं सकते चौका जी नमस्कार आप ही की बात हो रही थी आ, आपने इनका बचाव किया उस दिन पूरे गांव ने किया आ, क्या एक तरह से माहौल बि, इतना बिगड़ क्यों गया कि गुरुकुल को टारगेट करने लोग आ गए पहले पचास साठ लोग आए थे उसके बाद वे धमकाए फिर दो से तीन से चार सौ आदमी आगे लाठी डंडा हथियार लेके फिर मैंने गांव से और बुलाए सौ दो सौ लड़के और आचार्य साहब से कही मैंने कि आप अंदर रहो अगर मेरी जान चली जाएगी जब अंदर आँच आने दूंगा इतने मैं गोली मारने की भी गई सरपंच के पांव में गोली मार दो पर बाकी मैंने कि मैं हटूंगा नहीं और आप अंदर रहो पर ये कौन थे फिर ये लोग ये राजस्थान से कुछ असल में आँखों यहाँ डांटा लगा रखा था मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट ग्रीस और अखबार लगा रखा था जी अब बाहर के है हम पे तो पिछड़े नहीं है वगैरह कुछ आसपास के गांव को भी हो सकते हैं हाँ जी हो सकते हैं गांव पूरा सम, सहयोग रहा है सरपंच ने जान की बाजी लगाई इसके लिए पूरा तन मन धन से अपने लाठी को सामने करते हुए भी ये कहा कि मैं मंदिर में बिल्कुल आँच नहीं आने दूंगा यहाँ दो आदमी रुके हुए थे बच्चे थे अगर किसी को भी कुछ हो जाएगा हमको मारकिन कुछ होगा ऐसा नहीं वेन आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द नू राइट्स दर्ड्स वी आर टोल्ड मोस्ट ऑफ एन इज आउटसाइडर्स डिड इट बट दैट लीव ओपन द क्वेश्चन हाउ डिड द लोकल ऑफ नू बिकम सो ससेप्टेबल टू दीज आउटसाइड इंफ्लुंसिस बीट सोशल मीडिया और सम वन एल्स द ट्रूथ इज नू हेज बिन सिमरिंग विथ कॉम्यूनल टेंशन फॉर अ वाइल्ड नाव The tradition of amity has given way at one level at least to the politics of hate. The truth is, Nu, especially as we build up to elections in 2024, is sitting on a communal tinderbox. That is the grim reality. With Himanshu Pavan and Vivek, this is Rajdeep Sardesai in Nu for India Today.